उसका जलाधार ही नहीं है, इस बागी का जलाधार बिहार में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उनकी भूल है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं लोकसभा के चुनाव में जब रामविलास पासवान जी हेलीकॉप्टर से यहां दौरा कर रहे थे और जिस तरह का जन सैलाब मान रहा था, उस जन सैलाब का परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब जीत के गए हैं तो आप दिल्ली में ये कहते हैं कि पासवान जी की सभा के बाद मैं चुनाव जीत के आया हूं। ये आज उनके मुंह से कहा सुनने में हमें भी इसलिए मैं अब आपको कहना चाहता हूं कि 2020 तक हमने लक्ष्य तय किया है कि हम 5 लाख सदस्य बनाएंगे और 2022 में हमारी पार्टी के लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे। जो रिक्तता बीच में कमी आई है उस कमी को हम दूर करेंगे और 22 में विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव में उतरेंगे। इसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है और ये तैयारी करने के लिए जो सदस्यता का लक्ष्य हमने तय किया है, हम अपने यहाँ जो भी जिला अध्यक्ष आए हैं, खासतौर पर अपने जिला अध्यक्षों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि 3 ही कप्तान होते हैं, 4 कप्तान, एक ब्लॉक का अध्यक्ष वो कप्तान है पार्टी का, एक जिले का कप्तान, एक प्रदेश का कप्तान, एक आरिया का, ये 4 कप्तान है। चारों कप्तान के अंदर में सारी फौज काम करती है, तो हमको निचले स्तर से शुरू करके और अखिल भारतीय स्तर तक अपने सारे कप्तानों को चुस्त दुरुस्त करना होगा। राष्ट्रीय स्तर के कप्तान माननीय पासवान जी जब घूम रहे थे लोकसभा के चुनाव में, तो हमसे कह रहे थे कि आप कितनी भी बैठक करिएगा मैं उत्तर प्रदेश में आऊंगा, आप जहां भी हमको बुलाइएगा मैं आपके बीच में आऊंगा। उनका भी हौसला मैंने देखा, कितनी बृहद गर्मी पड़ रही थी, पसीना छू रहा था, कुर्ता भीग जा रहे थे और उस समय वो यहाँ की सभा करते थे, 3 सभा भी उत्तर प्रदेश में करते थे, उसके बाद यहाँ से जाकर बिहार में 3 सभा करते थे, तो उसके जोश और खरोश को मैंने देखा। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष जी इस लोकसभा के चुनाव के बाद मैं उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण करूंगा और लोक जनशक्ति पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करूंगा। हमारे संसदीय पार्टी के जो हमारे भाजपा पार्टी के बोर्ड के चेयरमैन हैं चिराग पासवान, और खासतौर पर पूरी